नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एकता में। कई सारे लोगों को साउंड को लेकर कुछ प्रॉब्लम था, आज जरा चेक करके बताइए साउंड ओके है कि नहीं है। हाल फिलहाल एक और था कि भाई सर आपने कल करंट अफेयर्स नहीं लिया, तो एक दिन की छुट्टी ली थी यार। और हाल फिलहाल आप परेशान मत होइए कि वो करंट अफेयर्स भी आज आपका कवर हो जाएगा, यानी कि आज हम लोग कवर करेंगे 12, 13, 14 जुलाई के पूरे करंट अफेयर्स। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कहा जा रहा है भाई कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है, तो किस देश ने ऐसा दावा किया है और क्या होती है वैक्सीन, वैक्सीन और मेडिसिन में क्या फर्क होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है, देखेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर और पहला जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करते हैं। पहली जानकारी है इसरो से। इसरो ने अभी हाल ही में ब्राजील के एक भू सर्वेक्षण उपग्रह का लॉन्च किया है और इसका नाम रखा गया है अमेजोनिया। अमेजन नदी पर आधारित है, अमेजन के जंगलों में जो कटाई हो रही है, जो इलीगल कटाई हो जाती है, जिसको सरकार ने महत्ता नहीं दी होती, जिसको सरकार ने अनुमति नहीं दी होती, तो ऐसी कटाई को रोकने के लिए और अमेजन के जो जंगलों में आग लग गई थी अभी कुछ समय पहले, तो इस तरह की घटनाओं को देखने के लिए और इसका अच्छे से सर्वेक्षण करने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ब्राजील द्वारा विकसित अमेजोनिया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मतलब कि ये एक पॉइंट पर ही बना रहेगा और उस एरिया, पूरे एरिया को वो देखता रहेगा। एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपने एक कैमरा बहुत ऊपर टांग दिया है, बस सिंपल सा मतलब यही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अगले माह लॉन्च किया जाएगा और इसरो द्वारा ब्राजील के इस उपग्रह को PSLV के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। माफी चाहूंगा, मैंने कह दिया था लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया जाएगा इसे। अमेजोनिया एक उपग्रह को ब्राजील द्वारा स्थानीय स्तर पर डिजाइन किया गया है और इसका परीक्षण भी ब्राजील द्वारा ही किया गया है। ब्राजील के उस उपग्रह से अमेजन वन में वृक्षों की कटाई की निगरानी करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों अमेजन वन में लगी आग के कारण यह उपग्रह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। भारत और ब्राजील के बीच अंतरिक्ष सहयोग आरंभ 2000 से ही शुरू हो गया था, जब दोनों देशों की सरकारों के बीच इस संबंध में एक समझौता किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान समय में के सिवान जो है, कैलाश शिवादु सिवान वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं और ये भारत सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ब्राजील के बारे में बात करें तो ब्राजील में बहुत समय तक गलती में, जब बचपन में था तो मैं हमेशा ब्राजील को दक्षिण अफ्रीका का एक देश समझता था, कई सारे फिर मैंने देखा कि ये भ्रम तो कई सारे लोगों को रहता है, तो ब्राजील तो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, बड़ा देश है। और यह देश 50 उत्तरी अक्षांश से 330 दक्षिणी अक्षांश के बीच में है और इसकी जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है। और बड़ी बात यह है कि जेयर बोल्सोनारो इसके राष्ट्रपति हैं और अभी हमारा जो गणतंत्र दिवस हुआ था इस साल का, उसमें ये मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। मुद्रा यहाँ पर रियल चलती है, जिसे आप रियाल भी कह सकते हैं। मेन भाषा यहाँ पर यानी कि मुख्य रूप से पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। तो अमेजोनिया वो एक उपग्रह, ये किसका है, ये ब्राजील का है। अगली जानकारी भी एक उपग्रह से जुड़ी हुई है। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में सभी सरकारी जमीनों के अतिक्रमण की निगरानी के लिए भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बुलिस भी आप कह सकते हैं के शुभारंभ के साथ उड़ीसा देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण से बचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। कई सारी जमीनें पड़ी होती हैं जिन पर कुछ भू माफिया कब्जा कर लेते हैं और ऐसे में सरकार को बड़ी दिक्कत होती है बाद में वापस उस जमीन पर कब्जा पाने के लिए, तो इसकी ऊपर से निगरानी यानी कि सैटेलाइट के जरिए इसकी निगरानी की जाए, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से BLUIS यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। गौरतलब है कि सरकारी भूमि अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए दशकों से जिस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है उसमें पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है, जिसके कारणवश उड़ीसा की यह प्रणाली काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रणाली राज्य सरकार को भूमि उपयोग में होने वाले बदलावों के बारे में सूचित करती रहेगी और उसमें कुछ भी परिवर्तन होगा, क्योंकि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है तो उसके जरिए कई सारी चेक लगाई जा सकते हैं, कई सारे ऐसे सुविधाएं लगाई जा सकती हैं जिसके जरिए ये तुरंत पता चल जाए। तो उड़ीसा का ये रहा
आपका भू सर्वेक्षण उपग्रह की तरह भू सर्वेक्षण पोर्टल, और हाल फिलहाल इसका नाम है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम BLUIS। किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार क्यों चर्चा में रही या उड़ीसा क्यों चर्चा में रहा, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो उड़ीसा का राज्य गान रहा, वो था वंदे उत्कल जननी। इसके अलावा सीएम नवीन पटनायक जी ने अभी हाल ही में उड़ीसा का जो है वो स्टेट की पहली यानी राज्य की पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो लॉन्च किया, आभासी पुलिस स्टेशन, सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन जो है ये लॉन्च करने वाला जो इसको उड़ीसा है, और इसको अभी हाल ही में ई गवर्नेंस अवार्ड मिला था एक्सीलेंस 2019 का। भुवनेश्वर जो था इसने अभी हाल ही में पहला एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2020 में आयोजित किया गया। वेटरन ओडिसी डांसर यानी कि अनुभवी ओडिसी डांसर मिंती मिश्रा का निधन हो गया। मिंती मिश्रा के बारे में अगर पूछा जाए कि ये कहां से बिलोंग करती थी तो ये आपकी उड़ीसा से बिलोंग करती थी। 8 बार के नेशनल अवार्ड विजेता मनमोहन मोहापात्रा जी का भी हाल ही में निधन हो गया 69 के, वो बहुत प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे। और दूसरा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी कि बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन एक्सरसाइज जो है इसका एक संस्करण अभी हाल ही में भुवनेश्वर में देखने को मिला उड़ीसा में, और ये नवीन पटनायक जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया में होने वाला है, और इसकी जो थीम रहेगी किक ऑफ द ड्रीम, इसमें से कुछ मैच उड़ीसा में भी खेले जाएंगे। उड़ीसा पहला स्टेट है जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि महिलाओं का स्वयं सहायता समूह के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया मिशन शक्ति के नाम से। कोरोना वायरस के दौरान सीएम नवीन पटनायक जी ने मो जीवन प्रोग्राम शुरू किया था लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने के लिए, और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको खाना प्रदान करने के लिए, उनको भोजन प्रदान करने के लिए। उड़ीसा सीएम ने अभी हाल ही में अपने पिताजी पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का इनॉग्रेशन किया था, लिखी नहीं थी उसका इनॉग्रेट किया था यानी उसको विमोचित किया था। द एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट बीजू पटनायक पर आधारित थी। उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन किया है और उसके जरिए मो प्रतिभा नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था लॉकडाउन के दौरान, ताकि जो बच्चे घर में बोर हो रहे हैं या घर में उनके जो टैलेंट है उसमें कोई कमी आ रही है तो वो इस प्रतिभा का इस कंपटीशन का प्रयोग कर सके और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाया जा सके। इसके अलावा उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी को अभी हाल ही में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था, ताकि जो क्योंकि उन्होंने जानवरों को भी भोजन की व्यवस्था की और जो राह चलते आवारा पशु थे उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की COVID-19 के लॉकडाउन के दौरान। चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में नवीन पटनायक हैं, बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं, कैपिटल सिटी भुवनेश्वर है। सेक्रेट फिग या जिसे पीपल आप बोलते हो ये यहाँ का राजकीय वृक्ष है और राजकीय फूल है अशोक। आप कहोगे अशोक के फूल कहाँ होते हैं, अशोक के फूल आप समझ सकते हैं। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर एंड स्टेट एनिमल सांबर डियर यानी हिरन। लोकसभा में 20 सीटें होती हैं, राज्यसभा में 10 सीटें उड़ीसा से आपको देखने को मिलेंगी। ये उसी स्लाइड को हिंदी में है। अगली जानकारी है हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। थोड़ा सा इसको समझने में गलती मत करिएगा। हिमाचल प्रदेश का जो नादौन पुलिस स्टेशन है उसको शीर्ष थानों में शामिल किया गया है यानी कि जो टॉप मोस्ट लिस्ट है भारत के अच्छे थानों की, अच्छे पुलिस स्टेशन की, उसमें उसको शामिल किया गया है। टॉप मोस्ट थाना नहीं, टॉप मोस्ट थाना वही है जो दिसंबर में अबरदीन अंडमान निकोबार वाला। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में, हाँ ये राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन का उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी किया गया, क्योंकि गृह मंत्रालय ही इस तरह के थाने की रिपोर्ट जारी करता है, पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट जारी करता है और सर्टिफिकेशन देता है। सबसे बड़ी बात होती है सर्टिफिकेशन उन्हें किसी तरीके से क्राइम को कम करने के लिए, महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए उसमें कमी लाने के लिए, और किस तरीके से जनता की उनके साथ भागीदारी है, इस तरह के कई पैरामीटर पर आधारित होती है। तो हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस स्टेशन जो है वो देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में शामिल हो गया है। इसके अलावा दिसंबर में एक न्यूज थी कि अबरदीन जो अंडमान निकोबार का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ये देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन माना गया था। इसके बाद बालासिनोर गुजरात का था, ये सेकेंड नंबर पर था, और अजग बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ये तीसरे नंबर पर आया था, जिसमें भारतीय सरकार ने यह कहा था कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, तो हिमाचल प्रदेश जो है अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी कुछ मुझे लगता है 26 जून के आसपास की ये न्यूज है, जब हिमाचल प्रदेश को पता चला था कि ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है हिमाचल प्रदेश पंचायत में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए।
शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है, इस तरह की योजना शुरू की गई है ताकि 120 दिनों का रोजगार प्रदान किया जा सके जो हिमाचल प्रदेश में प्रवासी श्रमिक आए हैं मनरेगा के अंतर्गत। शहरी रोजगार गारंटी स्कीम हिमाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा, 120 दिन का रोजगार है। 34वां सूरज कुंड मेला, ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है जो हरियाणा में आयोजित होता है, लेकिन इस बार इसकी जो थीम स्टेट रहा, इसका जो थीम स्टेट था वो हिमाचल प्रदेश था, जबकि जो पार्टनर कंट्री रही थी वो उज्बेकिस्तान थी। सूरज कुंड का मेला जो था, ये 34वां संस्करण था, हरियाणा में हर साल होता है, हर साल इसका कोई ना कोई स्टेट जो होता है वो थीम होता है, तो इस बार हिमाचल प्रदेश का थीम था। लोसर फेस्टिवल जो है, ये आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है, धर्मशाला में इसको मनाया जाता है। आपको पता होगा धर्मशाला में ही दलाई लामा रहते हैं, तिब्बत से जब उनको निकाला गया था, उनका निर्वासन किया गया था, तो उसके बाद से 23 साल की उम्र में वो भारत भाग के आ गए थे, तो तब से धर्मशाला में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश है पहला स्टेट बना जिसने 100% एलपीजी कवरेज को हासिल किया है, यानी हर घर में आपको एलपीजी सिलेंडर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो था ही, साथ साथ एक और योजना हिमाचल प्रदेश में चली, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नहीं पा पाए थे सिलेंडर, उनको इस योजना के तहत सिलेंडर प्रोवाइड कराए गए सब्सिडी रेट पर। पगली नाम का एक त्यौहार है, ये फसल जब शुरू होती है तब मनाया जाता है, ये भी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया 10 मार्च 2020 को। आगे रोहतांग पास, जिसका नाम अटल टनल कर दिया गया है, ये कुल्लू से लाहौल स्पीति को कनेक्ट करती है, तो रोहतांग पास का, रोहतांग दर्रे का नाम बदल के कुल्लू अटल टनल कर दिया गया है। कैपिटल शिमला है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है। नेशनल पार्क देखे जाए तो कई सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ होगा, कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। डैम की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डैम भाखरा नंगल बैंक डैम जो है, ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। फिर पंडोर डैम, नाथपा जाकरी डैम और चमीरा डैम भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। 15 अप्रैल स्टेटहुड डे है, यानी कि स्थापना दिवस है हिमाचल प्रदेश का। स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड, जिसे हिम तेंदुआ कहा जाता है, स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल। देवदार के वृक्ष जो है वो राजकीय वृक्ष माने जाते हैं। और कोटगढ़ एक जगह है हिमाचल प्रदेश की, जिसे एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, यानी कि सेब का कटोरा कहा जाता है। स्टेट फ्लावर है पिंक रोहड्रन और स्टेट गेम है वॉलीबॉल। तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, अभी चर्चा में क्यों रहा ये आपने अभी अभी देखा। अगली जानकारी, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को अभी हाल ही में हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। ये फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफा के बाद दिया गया। उन्होंने पर्सनल कारणों से बताया कि मैं पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसके बाद एक नए हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष की शुरुआत हुई थी, मतलब खोज होना शुरू हो गई। इसमें सेलेक्ट किए गए मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। निंगोमबाम मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने जमीनी स्तर पर अपने काम से संघ को काफी प्रभावित किया हुआ है। उन्होंने 2009 से 2014 के बीच में मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया हुआ है। आरबीआई ने अभी एक डेटा जारी किया और उसमें यह बताया कि सबसे ज्यादा लोन लेने के मामले में जो राज्य अग्रणी आया है वो तमिलनाडु आया है। कई सारी योजनाएं तमिलनाडु में चल रही हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जो लोन है, लगभग अगर देखा जाए तो 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं लोन के माध्यम से तमिलनाडु द्वारा, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु ने ये पैसे बॉन्ड के जरिए जुटाए हैं। बॉन्ड होता है जैसे एक, आप समझ सकते हैं, बॉन्ड का मतलब वही होता है कि हम और आप एक आपस में अनुबंध कर लें, समझौता कर लें कि भाई आप मुझे 100 रुपए दे दो, मैं आपको 1 साल बाद 110 रुपए वापस कर दूंगा, या 2 साल बाद आपको कुछ रुपए वापस कर दूंगा, ब्याज वगैरह लगा रहता है, तो इस तरीके से बॉन्ड की कीमत होती है। तो तमिलनाडु ने ये बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए और ये बॉन्ड उन्होंने किसको बेचे थे, आरबीआई को बेचे थे, के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र 25,500 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ रुपए और राजस्थान 17,000 करोड़ रुपए लेकर इस चूची में बने हुए हैं। तो देखा जाए सबसे ज्यादा कर्ज उठाने वाला राज्य कौन सा है, वो है तमिलनाडु। अगली जानकारी के साथ चलते हैं, दलाई लामा का भी मैं नाम ले ही रहा था, तो एक बुक है उनके ऊपर लिखी गई है और ये उनकी बायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है।
वर्ष 2020 में हिज हॉलीनेस एंड 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया है और यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले 40 से अधिक वर्षों से सलाहकार रहे लेखक तेंजिन गे थेथांग ने लिखी है। तेंजिन गे थेथांग द्वारा लिखी गई है यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की याददार यात्रा वृतांत है। इनका जो नाम है तेंजिन ग्यात्सो है, 14वें दलाई लामा है, धर्मशाला में रहते हैं। दलाई लामा जो अब हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रहते हैं, 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस पुस्तक में उनके मार्च 1959 में भारत आने के लिए मजबूर होने से पहले के इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से की झलक दिखाई पड़ती है और अभी तक उनका जो भी जीवन काल रहा उसके बारे में यहां पर पुस्तक में देखने को मिलेगा। तो पुस्तक का नाम याद रखिए, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, 14वें दलाई लामा की पवित्रता या उनकी परमेश्वर के प्रति आस्था, एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, एक डिटेल में उनके बारे में पुस्तक में लिखा गया है। पुस्तक को लिखने वाले हैं तेंजिन गे थेथांग। तेंजिन ग्यात्सो जो है वो 14वें दलाई लामा का नाम है। अगली जानकारी है यूरोपीय संघ और भारत के बीच में बैठक होने वाली है 15 जुलाई को और इस बैठक में कई सारे मुद्दे सुलझने की उम्मीद है, जैसे कि COVID-19 का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में कई सारे और मामले यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। तो भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर बैठक में यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग, यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। जो मैंने येलो किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष यानी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष वर्तमान समय में चार्ल्स मिशेल हैं, जबकि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन है, जिनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था। जो भी नेतागण है वो प्रभावी बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में नियमों पर आधारित एक बहुपक्षीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। मतलब वही है कि आपस में बात करेंगे भाई COVID-19 के बारे में क्या किया जाए, किस तरीके से निपटा जाए, किस तरह से पर्यावरण को देखा जाए और किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है उसमें भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे का साथ कैसे दे सकते हैं। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने बताया कि शिखर सम्मेलन में साझा सिद्धांतों, कानून के शासन, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान यूरोपीय संघ और भारत के लोगों को ठोस लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो हाल फिलहाल ये बैठक होने वाली है 15 जुलाई को। अगली जानकारी है, एक अच्छी खबर है, सेना को 22 नए AS-64 अपाचे की डिलीवरी पूरी हो गई है। पूरे 22 अब हमारे पास अपाचे हैं। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिंडन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स आपका उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है, पर आखिरी बचे 5 AS-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है। इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय IAF को सभी 22 नए AS-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर दी है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। 15 चिनूक आ गए हैं हमारे पास। भारत और अमेरिका के बीच में वायुसेना ने सितंबर 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिली थी और उसके बाद जिसे पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया था। और हाल फिलहाल अभी जो हमें 5 मिले हैं वो हिंडन एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि हिंडन एयरबेस जो है ये अगर देखा जाए तो भारत और चाइना का सबसे पास का एयरबेस है, उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। अगली जानकारी पर चलें, हिंडन एयरबेस पे ही यूके और भारत के बीच में, वायुसेना के बीच में इंद्रधनुष 6 अभी आयोजित हुआ था। इंडिया जो है ये भारत जो है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूके करने में, मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसमें सेकेंड नंबर पर भारत है। भारत ब्रिटेन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। वर्ष 2019 में भारत ने ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश और 5,429 रोजगार सृजित किया था। ब्रिटेन सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत FDI में 4% की वृद्धि कर तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गया है।
वर्तमान में ब्रिटेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से अमेरिका पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर जर्मनी बना हुआ है। अगली जानकारी आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने घोषणा कर दी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि भाई वो WHO छोड़ देंगे, WHO की सदस्यता उन्हें नहीं चाहिए। ऐसे में WHO की कार्यप्रणाली और उनकी जो भी संसदीय समितियां हैं, जो भी उनकी कमेटीज हैं, उनको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और इस बारे में चर्चा की गई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से निपटने के उसके तौर तरीकों और सरकार की प्रति समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम गेब्रेसस ने कहा कि इस महामारी का व्यापक मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। इसमें न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्रार, लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीव इस समिति के संयुक्त अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्यों का चयन करेंगे। यह समिति नवंबर 2020 में स्वास्थ्य मंत्रियों की वार्षिक बैठक में अपनी अंतरिम रिपोर्ट, जबकि मई 2021 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया के बाद उठाया गया है। उन्होंने कोरोना को लेकर संगठन की कड़ी आलोचना की थी और संगठन पर चीन की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप भी लगाया था। तो वर्तमान समय में WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एधनॉम गेब्रेसस। अगली जानकारी है हमारा जो टाइगर सेंसस रहा, जिसने बताया था कि मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा टाइगर हैं और दुनिया के 75% टाइगर हमारे पास है। 2967 टाइगर हमारे पास है। जिस तरीके से इसका सर्वेक्षण किया गया, उसके लिए कई स्थानों पर कैमरों का प्रयोग किया गया, कई सारी तस्वीरें ली गई और इस तरह का सर्वेक्षण करने का यह तरीका जो था, जिस तरह से कैमरों को हम लोग ने प्रयोग किया, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इतने ज्यादा कैमरे और इतने अच्छे तरीके से जो सर्वेक्षण किया गया था वो आज तक कभी भी नहीं किया गया। तो ऐसे में भारत का 2018 बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है, क्योंकि हमने अपने अन्य देशों की तुलना में उनकी निगरानी के लिए अधिक कैमरे लगाए। अभी बाघों की संख्या पूरे विश्व का 75% भारत में है और यह तय सीमा से पार 4 साल पहले ही अपने संकल्प को पूरा कर लिया। 2018 के चौथे चक्र में देश में 2967 बाघ थे और विश्व की कुल बाघों की 75% जो आबादी है वो भारत में पाई जाती है। जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तब हमने ये अंदाजा लगाया था कि हम कम से कम 2020 तक बड़े आराम से बाघों की संख्या को दोगुना कर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जो हमने लक्ष्य बनाया था उससे पहले ही हमने बाघों की संख्या को दोगुना कर लिया है। फिलहाल केंद्रीय सूचना और प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। सर्वे के अनुसार बाघों के सर्वे के लिए देश में 29,760 स्थानों पर 139 सर्वे किए गए। इस सर्वे के दौरान 3.5 करोड़ से ज्यादा फोटो लिए गए, जिनमें से 76,523 बाघों की तस्वीरें हैं और 51,337 तेंदुए की तस्वीरें हैं, बाकी अन्य जीवों की तस्वीरें हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर कहा गया कि साल 2018-19 में आयोजित सर्वेक्षण का चौथा चक्र संसाधन और संचलित आंकड़े दोनों के संदर्भ में अब तक का सबसे व्यापक सर्वेक्षण था। तो टाइगर सेंसस ऑफिशियली बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे बड़ा सर्वेक्षण जो कि कैमरे पर आधारित था। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा टाइगर सेंसस किया गया और यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण रहा। हाल फिलहाल वो क्वेश्चन अब आ ही गया कि किसने कहा कि भाई हमने वैक्सीन बना ली है। वैक्सीन और मेडिसिन में ये फर्क होता है, वैक्सीन में हम उसी वायरस या जिस भी जीव के खिलाफ या जिस भी जीवाणु के खिलाफ वैक्सीन बनाई जाती है उसी की मृत अवस्था ली जाती है और उसको शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। ऐसे में उस मृत अवस्था से लड़ने के लिए या उसकी मरी हुई बॉडी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं और ये पूरे ताजीवन यानी कि पूरे जीवन हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, जिससे दोबारा उस वायरस का हमला होने पर हम बड़े अच्छे तरीके से सुरक्षित हो जाते हैं। तो ऐसे में रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन बना ली है। रूस के सेचनेव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकला तो कोरोना वायरस की यह पहली वैक्सीन होगी। तो रूस ने बनाई कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन। दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा 2020 की फरवरी में ही हो गई थी। 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड विनोद खन्ना को मिला था, 2018 का दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को मिला था और 2019 का, माफी चाहूंगा और एक उल्टा हो गया, 2019 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो आपका सुपर 30 फिल्म के में काम करने के लिए ऋतिक रोशन को प्रदान किया गया था और ये विवेक बहल द्वारा ये फिल्म निर्देशित की गई थी। सुपर 30 जो है बिहार के आनंद कुमार पर आधारित एक फिल्म है और इसको इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। लेकिन इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड में एक डॉक्यूमेंट्री को भी शामिल किया गया, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंग डोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया जाएगा।
दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो 1969 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसमें 10 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, एक सोने का कमल, एक स्वर्ण कमल का पेंडुलम दिया जाता है और एक साल दिया जाता है। फिलहाल ची लुपो केजांग डी थोंगडोंग द्वारा हनी हंटिंग यानी कि मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करने पर काम करने पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री ऐसी फिल्मों को कहा जाता है जिसमें बहुत ज्यादा रियलिटी दिखाने की कोशिश की जाती है, उसमें कहीं पर भी कोई नाटकीय बदलाव नहीं किए जाते हैं और वास्तव में जो घटित होता है उसे दिखाने की कोशिश की जाती है। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले केजांग डी थोंगडोंग ने देखा कि वहां पर जो जनजातियां हैं वो अब हनी हंटिंग यानी कि मधुमक्खी का शहद निकालने से पीछे हटती चली जा रही है, क्योंकि इस रोजगार में ज्यादा पैसा भी नहीं है और लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है और अब देखा जाए तो गिने चुने ही लोग वहां पर बचे हैं। तो ऐसे में इस प्रथा को बनाए रखने के लिए, इस प्रथा को कैमरे के जरिए बनाए रखने के लिए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया और अंततोगत्वा उन्हें सफलता मिली, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। चीलूपो में सर्डुकपेन एक समुदाय है जो हनी हंटिंग काम करता है, में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया गया है जिसमें ची का अर्थ है शहद जबकि लिपो का अर्थ है शिकारी। हनी हंटिंग की यह सदियों पुरानी परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। केजांग डी थोंगडोंग ने हनी हंटिंग की स्वदेशी प्रथा की इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शहद के शिकार की पुरानी परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है और अब देखा जाए तो वहां पर बहुत कम लोग बचे हैं जो इस तरह की हनी हंटिंग करते हैं। तो ऐसे में एक अच्छा प्रयास था और इसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। ची लुपो फिल्म का नाम है, डॉक्यूमेंट्री का नाम है और जो निर्माता है उनका नाम है केजांग डी थोंगडोंग। अगली जानकारी है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो छत्तीसगढ़ जो है देखा जाए तो पहली बार ई लोक अदालत आयोजित की गई छत्तीसगढ़ में, भारत की पहली ई लोक अदालत है। लोक अदालत में ऐसे मुद्दे सुलझाए जाते हैं एनपीए से संबंधित, विभागों से संबंधित, अगर इस तरह के मुद्दे होते हैं जो कोर्ट में ले जाने लायक मामले नहीं होते उन्हें लोक अदालत के जरिए यानी पब्लिक कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई पहली ई लोक अदालत। अगली जानकारी है एनटीपीसी लिमिटेड को प्रतिष्ठित सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया है। साथ ही में कंपनी की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भी सराहना की गई है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंपनी में एक फंड डेवलप करना होता है, क्योंकि जब आप कंपनी बनाते हो तो कुछ ना कुछ आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो, कहीं ना कहीं आप जमीनें अधिग्रहण करते हो, तो ऐसे में जो समाज में जिनको आपने वंचित किया है, जितना भी अपने पर्यावरण में नुकसान पहुंचाया तो उसको वापस से सही रखने के लिए फंड बनाया जाता है और इसके जरिए पैसा दिया जाता है। तो एनटीपीसी की एक पहल थी, इसमें वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली और स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाकर उनके समग्र विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जैसे सतत विकास प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा इसने ठेकेदार श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर पैसा तो ले लेते हैं पर वो मजदूरों तक नहीं पहुंचता, तो इसके लिए यहां पर उन्होंने एक सूचना प्रणाली शुरू की थी, उसका नाम रखा गया था कॉन्ट्रैक्टर लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके जरिए अंततोगत जिस दिन भी वो पेमेंट कर रहे हैं उसी दिन वो मजदूरों तक पहुंच जाए, इसके लिए उन्होंने सुनिश्चित किया था और उसके जरिए भी गरीब तबके को फायदा हुआ था। तो एक तरह से ये अवार्ड दिया गया। बात करते हैं आईटीसी की, तो पहले एनटीपीसी की बात करते हैं। एनटीपीसी जो है ये 7 नवंबर 1975 को बनाई गई थी और भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी का 400वां स्थान था। एनटीपीसी के वर्तमान समय में सीईओ हैं गुरदीप सिंह और ये पूरी तरीके से 51.02% के साथ भारत सरकार के मालिकाना हक में आती है। आईटीसी की बात करें तो भारत में एक तंबाकू कंपनी है, 1910 में अंग्रेजी तंबाकू कंपनी इंपीरियल ने इसका गठन किया था। इसका टर्नओवर 4.75 बिलियन डॉलर का है और यह भारत की निजी कंपनियों में कर पूर्व लाभ की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आती है, यानी कि प्रॉफिट कमाने जनरेशन की कंपनी में ये दूसरे नंबर पर है। अगर बात करें तो इसके सीईओ हैं वर्तमान समय में संजीव पुरी। इसकी स्थापना 24 अगस्त 1910 में कोलकाता में की गई थी, इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। अब बारी है आज की हमारी न्यूज फटाफट की। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्वभर में विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। इस वर्ष का विषय विशेष रूप से कोरोना महामारी के समय दुनिया भर में महिलाओं
और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड 19, मतलब कोविड 19 को रोका जाए, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ। मलाला विश्व में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला है या व्यक्ति है, सबसे कम 17 साल की उम्र में उनको नोबेल प्राप्त हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मलाला को जब ये पुरस्कार दिया गया था वो तालिबानी द्वारा उनके ऊपर एक आत्मघाती हमला किया गया था जिनमें उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान की दया से सुरक्षित रहीं। और फिर उसके बाद पूरे विश्व में उस घटना की निंदा हुई और किसी तरीके से पाकिस्तान के खैर पख्तूनवा की रहने वाली मलाला यूसुफजई ने अपने इलाके में महिलाओं के या लड़कियों के पढ़ने के लिए जो मुहिम थी उसमें सफलता पाई। तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सम्मान देने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन ने जीती है स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस। लुईस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग में रेड बुल रिंग में हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। और इसमें वाल्टेरी बोटा, जिनको अभी ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स में जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था, वो इस स्थान पर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स वर्स्टैपेन वेरस्टैपेन जो रेड बुल बेल्जियम रेसर तीसरे स्थान पर रहे। और यह साल 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। तो इस तरीके से मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन ने जीती स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ली सियन लुंग एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लुंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएपी ने आम चुनावों में 93 सीटों में से 83 सीटें जीती हैं, जिसके साथ ही ली सियन लुंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में 4th कार्यकाल जीत लिया है। ली सियन लुंग सिंगापुर के 3rd प्रधानमंत्री हैं। पीपल्स एक्शन पार्टी 1965 में आजादी के बाद से सिंगापुर पर सत्ता पर काबिज है। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, फटाफट से करते हैं। 15 जुलाई को होने वाले भारत और यूरोपीय संघ के बीच आवासीय शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में किस एयरस्पेस कंपनी ने IAF को 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 दे दिए हैं? तो वो है बोइंग इंडिया। इसरो अगर 2020 में किस उपग्रह को प्राथमिक पेलोड के रूप में लॉन्च करेगा? तो ब्राजील का अमेजोनिया 1। सरकारी भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए BLUIS का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो भुवनेश्वर लैंड यूटिलाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। किस पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नादौन को। किसको हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक नियुक्त किया गया है? तो वह है ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, मणिपुर से आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के कर्ज मामलों में सबसे ऊपर चल रहा है? तो वह है तमिलनाडु। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। वर्ष 2020 में हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह बायोग्राफी कौन से दलाई लामा के ऊपर लिखी गई है? 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो की ऊपर लिखी गई है। किस वैश्विक संगठन ने हेलेन क्लार्क और एलेक जॉनसन सिरलेप की अध्यक्षता में अपनी कोविड 19 प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए स्वतंत्र पैनल का गठन किया है? तो WHO ने। और इंडिया यानी कि भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में दूसरे स्थान पर। किस देश ने दावा किया है उन्हें कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है? तो रशिया। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 50 टाइगर रिजर्व भारत में उपलब्ध हैं, जिन पर अभी हाल ही में सर्वेक्षण किया गया था। किसको उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के 2020 दिया जाएगा? तो वह है केजंग डी थोंगडोंग ली चिपो के लिए। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया? तो छत्तीसगढ़। और NTPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। और किसने ऑस्ट्रेलिया में स्पीलबर्ग में रेड बुल रिंग में हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? लुईस हैमिल्टन। सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल की ली सियन लुंग ने। अब बारी है आज के क्विज की। हाल ही में किस एयरोस्पेस कंपनी ने IAF को 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 वितरित किए हैं? तो बोइंग द्वारा मिले हैं अपाचे हेलीकॉप्टर। इसरो अगर 2020 में किस उपग्रह को प्राथमिक पेलोड के रूप में लॉन्च करने वाला है? तो वो है अमेजोनिया। ये ब्राजील का भू सर्वेक्षण उपग्रह है। सरकारी भूमि का अतिक्रमण रोकने के लिए BLUIS यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूटिलाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा राज्य प्रयोग करेगा? उड़ीसा।
15 जुलाई को होने वाले भारत और यूरोपीय संघ के बीच आभासी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। किस पुलिस थाने को देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा अभी हाल ही में प्राप्त हुआ? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस स्टेशन। किसको हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह है ज्ञानेंद्रो निंगोवाम। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2020-21 के कर्ज के मामलों में सबसे ऊपर आया है? तो वह है तमिलनाडु। लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र में अंतरिम बल के साथ तैनाती की है और एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार भी जीता है। तो लेबनान में संयुक्त अंतरिम बल के साथ इंडियन बटालियन को यह पुरस्कार दिया गया है, तो इंडबेट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक 14वें दलाई लामा पर आधारित है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व उपलब्ध हैं? वर्तमान में भारत में 50 टाइगर रिजर्व उपलब्ध हैं, जिनके ऊपर अभी हाल ही में यह सर्वेक्षण किया गया था, टाइगर सेंसस आया था 2018 का। किस वैश्विक संगठन ने हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन से लेफ की अध्यक्षता में अपनी कोविड-19 प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है? तो वह है WHO। और किसने पेटेंट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? तो वह है इंडिया, इससे ऊपर USA है। किस देश ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है? तो रशिया। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 के तहत राज्य में कुल कितने इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे? तो कुल 100 इंक्यूबेटर स्थापित करने की योजना उत्तर प्रदेश में है स्टार्टअप नीति के अंतर्गत। किसको उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा? तो केजिंग डी थोंगडो। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया है। किसको अभी हाल ही में प्रतिष्ठित CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है? तो वह है NTPC लिमिटेड। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 जुलाई को उनके जन्म दिवस पर। किसने ऑस्ट्रेलिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ड्राइवर। और किसने आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली स्वेन लुंग एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो